वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कुछ शेयर के बारे में जिनके ऊपर रिसेंटली मेरे पास कमेंट आए थे, इनके ऊपर डिटेल वीडियो बनाओ। तो जैसा कि मैंने आपके सामने ओपन किया है, इस शेयर का नाम है आसियाना एग्रो इंडस्ट्री। इस शेयर का करंट प्राइस है करीब 12 रुपीज़ 40 पैसे और इसकी डे की क्लोजिंग हुई है 4.76% डे लो पे। आपके सामने करीब 12 रुपीज़ 40 पैसे इसका अभी का प्राइस है और इसने करीब 5% के आसपास डे लो में अपनी डे की क्लोजिंग दी है। तो एक बार इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। जैसा कि आपके सामने है, रिटर्न वर्सेस एफडी बिल्कुल बेटर नहीं, ना ही ये डिविडेंड पे करता है। फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस में ना जो इनकी इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ रेट है लास्ट के 5 ईयर के अंदर करीब 3.18% है, जबकि सेक्टर के 12.75% है। मतलब सेक्टर से काफ़ी पीछे इसकी ग्रोथ रेट चल रही है। अब इनकी बात करते हैं, इनका मार्केट शेयर भी डिक्रीज़ हुआ है पर कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। 2018, 19, 20, 21 की बात करते हैं, 2018 में इनका टोटल रिवेन्यू तो करीब 68 लाख, जो 2019 नंबर के करीब 1 करोड़ के आसपास हो गया। 2020 में भी 1 करोड़ के आसपास ही था। 2021 में थोड़ी गिरावट आई, हम कह सकते हैं कोरोना इफेक्ट है, करीब 76 लाख रुपये इनका टोटल रिवेन्यू रह गया था। अब बात करते हैं नेट इनकम की। जैसा कि आपके सामने 2018 में इन्हें 4 लाख का लॉस हुआ था और 2019 में 3 लाख का, 2020 में करीब 1 लाख का और 2021 में ये कंपनी प्रॉफिट में करीब इनको 3 लाख का प्रॉफिट हुआ था। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो इस शेयर में अभी के टाइम में जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है करीब 25% होल्डिंग प्रमोटर के पास है, बाकी म्यूचुअल फंड के पास कोई होल्डिंग नहीं है। DII के पास आप देखोगे बहुत कम होल्डिंग है, करीब 0.02%। FII के पास कोई होल्डिंग नहीं है, बाकी जितनी भी होल्डिंग है हमारी रिटेल और अदर पार्टी के पास है। अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो मेरे हिसाब से आप मत करो, क्योंकि देखो प्रमोटर के पास 25% होल्डिंग है और पूरे चांस है आने वाले टाइम में प्रमोटर इसे भी बेच के निकल जाएगा। जैसा कि आपके सामने दिखा देता हूं मैं, प्रमोटर की अभी के लिए 25% होल्डिंग बेशक स्टेबल है पर लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से किसी भी ऐसे पैनी शेयर के ऊपर हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए जिसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 55% से कम हो। मैं पैनी शेयर की बात कर रहा हूँ, अगर कोई अच्छी कंपनी है तो उस कंडीशन में 51% हम मान सकते हैं, कम से कम प्रमोटर की होल्डिंग इतनी होनी चाहिए। जैसा कि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग करीब 55 से कंपेयर करें इसके आधे के बराबर है, यानी 25% के आसपास है, तो इसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जितनी भी होल्डिंग है मैक्सिमम होल्डिंग प्रमोटर के पास है। अब बात करते हैं इसके लेवल के ऊपर। जैसा कि अभी टाइम में देखो इस शेयर पिक पंप एंड डंप चल रहा है, आपके सामने ही है, एक बार शेयर को पंप करते हैं उसके बाद से डंप भी हो जाता है। तो इस कंडीशन में अगर आप इसे बाय करोगे तो बहुत ज़्यादा चांस है आप इसमें पैसा गवा दोगे। अगर फिर भी आपके पास ये शेयर है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे हिसाब से आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लो और इससे बाहर निकल जाओ। फिर भी अगर किसी ने शेयर ले रखा है तो मेरे हिसाब से अभी के लिए एक 12 रुपये का एक SL है और एक सेकंड SL इसका 10 रुपये का, इन दो SL को मिस मत होने देना। अगर इसने 10 रुपये के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट आएगी, तो फिर हो सकता है शायद आने वाले टाइम में इस शेयर का प्राइस 8 रुपये से 6 रुपये बीच में भी जा सकता है। अभी के लिए जो हमारे पास SL है 12 रुपये का, अगर उसके बाद जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग SL है वो करीब 10 रुपये का, क्योंकि 10 रुपये के आसपास इसे 200 DMA का सपोर्ट मिल रहा है। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की। इस शेयर का नाम है सुमिका एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड। इस शेयर का करंट प्राइस है करीब 18 रुपीज़ के आसपास है और इसकी डे की क्लोजिंग हुई है 4.36% डे हाई पे। जैसा कि आपके सामने 17 रुपये 95 पैसे अभी इसका करंट प्राइस है और 5 रुपये के आसपास इसने डे हाई पे अपनी डे की क्लोजिंग दी है। रिटर्न वर्सी FD की बात करते हैं बिल्कुल बेटर नहीं है, डिविडेंड भी कुछ ये पे नहीं करता। फोरकास्ट की बात करते हैं तो फोरकास्ट पे किसी भी एनालिस्ट की रिपोर्ट मौजूद नहीं है जो इसमें बाय के लिए कह रहा हो। फाइनेंस की बात करते हैं, यहाँ पर जो इंडस्ट्री की रिवेन्यू ग्रोथ रेट है लास्ट के 5 ईयर के अंदर काफ़ी अच्छी खासी करीब 48% के आसपास ग्रोथ रेट है, जबकि सेक्टर की माइनस में चल रही है और इसका मार्केट शेयर स्टेबल है लास्ट के 5 ईयर के अंदर। 2018, 19, 20, 21, 2018 में इनका टोटल रिवेन्यू तो करीब 1 करोड़ 78 लाख, जो 2019 में घट के 1 करोड़ 45 लाख हो गया, 2020 में सिर्फ 49 लाख, पर 2021 के फाइनेंशियल में इनका रिवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, कंपेयर करो 2019 में तो डबल हो गया है। नेट इनकम की बात करते हैं, 2018 में इस कंपनी को करीब 32 लाख का लॉस था पर 2019 में भी 31 लाख का लॉस, पर 2020 में कंपनी प्रॉफिट में आई। हम देखेंगे 2020 में इस बेसिक इसका रिवेन्यू कम हुआ था पर कंपनी उस साल 2 लाख के प्रॉफिट में आई थी और 2021 में इनका प्रॉफिट करीब 42 लाख हो गया था। तो इसके अकॉर्डिंग 2021 और 20 का जो फाइनेंशियल की बात करते हैं,
कंपनी ने काफ़ी बेटर परफॉर्म किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रमोटर के पास बिल्कुल भी होल्डिंग नहीं है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच के निकल चुका है। म्यूचुअल फंड के पास कोई होल्डिंग नहीं है। DI के पास बात करते हैं, DI के पास भी कोई होल्डिंग नहीं, बाकी जितनी भी होल्डिंग है FI के पास है। और रिसेंटली FI ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, मार्च क्वार्टर से अगर हम देखेंगे तो करीब 10% के आसपास होल्डिंग हमारी FI के पास पड़ी है। अब बात करते हैं रिटेल और अदर पार्टी। अब इसमें देखेंगे ना, जैसे कि आपके सामने है, रिटेल इन्वेस्टर ने रिसेंटली अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और उसके बाद जो बाकी जो हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो करीब हमारे पास है अदर पार्टी के पास 64.93%, यानी 65% होल्डिंग तो हमारी अदर पार्टी पे है और 25% होल्डिंग हमारे रिटेल इन्वेस्टर के पास है। और जैसा कि अभी रिसेंटली रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो इस केस में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से देखो मत करो तो बेटर है, फिर भी आप करना चाहते हो तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करना। और जैसा कि आपके सामने है, शेयर में अच्छा खासा पीक आया है तो इस पीक का फ़ायदा उठाना है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, आपने किसी भी दिन अगर इसने अपनी डे की क्लोजिंग लो में दे दी उसी टाइम आपने अपना प्रॉफिट बुक करके इससे बाहर निकल जाना अगर आपने शेयर ले रखा है। और अगर आपके पास ये शेयर नहीं है तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से है ना, एक तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि कंपनी देखो बेसिक कंपनी प्रॉफिट हुआ है पर कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, इसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ऐसा ना हो कि आप इसमें इस शेयर को बाय करो और फंस जाओ, क्योंकि इसमें 2-3 बार देखो एक पंप हुआ है फिर डंप हुआ है, तो ऐसी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिली है। इसके अगर पिछला हम चार्ट देखेंगे अभी के लिए, अगर आपके पास शेयर है तो 17 रुपये के SL को मिस मत करना अगर आपने ये शेयर ले रखा है। और अगर ये 18 रुपये के ऊपर 2 दिन सस्टेन हो जाता है तो आने वाले टाइम में इसका जो हमारा टारगेट है 20+ का टारगेट हमें आराम से मिल सकता है। तो सिंपल है, अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत रखना। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है और किसी भी दिन इसने अपनी डे की क्लोजिंग लो में दे दी तो आपने उस कंडीशन में अपना प्रॉफिट बुक करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।